बिहार विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की आवश्यकता, बिहार की जरूरत है। वो बार बार बात करते हैं पैकेज की, कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ योगदान दे दें और उसको हम अपना योजना साबित करें। अगर कोई राज्य पिछड़ा है और वो विकसित प्रदेशों के बराबरी में नहीं आएगा तो विकसित भारत बनाने का सपना कहाँ है, तो दिवा सपना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अब एक बार फिर से जब ये मांग उठाई गई है, नीतीश कुमार ने भी खुलकर मंच से कहा था पिछले दिनों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब इसके लिए तो अब हम मूवमेंट शुरू करेंगे, बिहार के हर जिले से आवाज़ उठेगी। और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हो, सभी ने एक करके अपनी बातें रखी हैं। आज हमने सबकी बातें सुनाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कह रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जितनी राशि खर्च होती है बिहार सरकार की, वो पैसे से कितना और काम हो सकता है विकास का, बिहार की कितनी तस्वीर बदलेगी। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, अभी हाल ही में जाति आधारित गणना कराई गई है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की आवश्यकता, बिहार की जरूरत है। और जब बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है, तो मरा हुआ घोड़ा हो गया। मैंने जो बिहार के विकास के साथ, बिहार के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, वो मरा हुआ घोड़ा कैसे हो जाएगा? ये उनकी उनकी सोच है। ये अगर ऐसा वो बोल रहे हैं कि ये बिहार के प्रति उनका जो नजरिया है वही दर्शाता है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की आवश्यकता है, इसलिए कि आज बिहार जो अपने विकास की ओर बढ़ रहा है, बिहार में जो विकास का दर पिछले 10 वर्षों से जो 2 अंकों में रहा है, वो अपने बलबूते पर संसाधन पर रहा है। कोई उसमें केंद्र सरकार को कोई योगदान नहीं है। और बिहार में माइंस मिनरल है नहीं, तो उद्योग स्थापित हो नहीं सकते। अगर बिहार को विशेष राज्य का आज जो भारत केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसका केंद्र की सरकार ने जो प्रतिशत पहले था यूपीए की सरकार में उसको बढ़ा दिया, जो 60-40 था उसको 70-30 कर दिया, कभी किसी को 50-50 कर दिया, सारा राज्यांश बढ़ा रहे हैं, तो राज्य के विकास में का जो संसाधन है वो तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में लग रहा है। अगर वो पैसा बचेगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार का और विकास होगा। तो बिहार के विकास के लिए अगर बिहार के विशेष राज्य की दर्जा बिहार मांग करता है, इसमें उनको कह रहे हैं कि मरा हुआ घोड़ा है, भाई कौन सी समझदारी है? वो बार बार बात करते हैं पैकेज की, कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है, क्या पैकेज उन्होंने दिया है, किस क्षेत्र में पैकेज उन्होंने दिया है? अगर सिर्फ कागजी खाना पूरी के लिए कुछ बोलते रहना है तो अलग बात है। बिहार को केंद्र की तरफ से जो सहयोग और केंद्र की तरफ से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, बल्कि केंद्र प्रयास करता है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ योगदान दे दें और उसको हम अपना योजना साबित करें। और इसलिए हर घर नल के जल के योजना में राज्य सरकार ने इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे कोई पैसा आपसे। अपने बलबूते पर राज्य सरकार ने हर घर नल का जल योजना चलाया। तो इसलिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना बिहार की मांग है। रघुराम राजन कमेटी किसने बनाया था? केंद्र की सरकार ने बनाया था। रघुराम राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा की गई है और बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी पिछड़ेपन की चर्चा की गई है, तो उन राज्यों को भी मिलना चाहिए। आखिर आप जो विकसित भारत का जो दिवा स्वप्न इस देश की जनता को जो दिखा रहे हैं, किस बूते पर कैसे होगा? अगर कोई राज्य पिछड़ा है और वो विकसित प्रदेशों के बराबरी में नहीं आएगा
तो विकसित भारत बनाने का सपना कहां है, तो दिवा सपना है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख रही है और देश की जनता को दिखा रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है बिहार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, बिहार की आवश्यकता है और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है, आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी ने अब मांग उठानी शुरू कर दी है। बिहार में जब से जाति आधारित गणना कराई गई और उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, उसके बाद से अब और इस मांग में तेजी आ गई है। नीतीश कुमार ने जब से कहा है, क्या अब इसके लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा 2024 से पहले बिहार में ये नया मुद्दा फिर से विशेष राज्य का दर्जा, क्या इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव बनाने का ये नया चाल है या इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस पार्टी होगी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्या इसे अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी, मैनिफेस्टो में इसे वादा करेगी, ये सवाल भी बरकरार है। ललन सिंह ने क्या कहा आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।